आपके पास है? अच्छा, यहाँ भी बनाएंगे आप? वो घर किसने बनाया जाओ जो है आपके पास? इंसान ने। इंसान ने, अच्छा। और ये घर कौन बनाने वाले हैं? आप लोग सब? हाँ, अच्छा। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? कार्डबोर्ड, ईंटों से, और पत्थर से। आप बना सकते हैं? आप ईंट उठा लेंगे? चोट नहीं लगेगी? ग्रेट। तो फिर आप बहुत अच्छे से बनाने वाले हैं, लेकिन आपको ग्रुप में बनाना है, तो ग्रुप लीडर आपको पता है? अच्छा, आपको जो घर बनाना है, घर बनाने के बाद आपको समझाना है कि वो घर आपने ऐसा क्यों बनाया, ठीक है? और सभी आपके ग्रुप के मेंबर उसमें बोलेंगे, आपको पता चल जाएगा इस चीट से। ठीक है, एक लीडर रहता है जिसको हम अपनी अपनी आइडियाज देते हैं। आइडियाज सभी ने देनी है, ठीक है? और डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना काम। और उसके बाद उसको घर बनाने के बाद आपको ये सोचना है कि इसका प्रेजेंटेशन, मतलब ये घर आपने क्यों बनाया ऐसा, और इससे आपको क्या बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है? आपके पेरेंट्स आपको सुनेंगे। सबको अपने अपने आइडिया से अपना ग्रुप का घर बनाना और ब्यूटीफुल बनना है। ओके, क्लियर? नो जेलेसी, नो कंपैरिजन, सबको अपना कंपटीशन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है, बस अपना घर सुंदर, सब अपना बेस्ट बनाना। अच्छा अच्छा एकदम। और ग्रुप में सब एक दूसरे की बात सुनना, ये नहीं कि सब मैं ये करूंगी मैं ये करूंगी, सब मिलकर करना। सबसे बड़ी बात ये तो क्यों नहीं लीडर है, मैं क्यों नहीं लीडर हूँ, ये सब बिल्कुल नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट बनाएंगे, ऑल द बेस्ट। तो बोलो जोर से, माय होम स्वीट होम, जोर से बोलो, माय होम स्वीट होम, और जोर से, माय होम स्वीट होम। थैंक यू, माय होम स्वीट होम। चलो थोड़ा जंप करो, तो जॉगिंग करो, जॉगिंग करो, जॉगिंग करो, जॉगिंग, यस यस, वन टू, वन टू, वन टू। हाँ, आप बोलो जोर से, बोलो। ओके, थैंक यू। भाई साहब, हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम मंजूषा भास्करवार, सिनर्जी क्लब की तरफ से माय होम स्वीट होम ये एक्टिविटी आज हम संडे मॉर्निंग सबको जल्दी उठा दिया, क्योंकि बच्चे आजकल संडे 9 बजे के बाद उठेंगे, तो नहीं, संडे मॉर्निंग उनको एंजॉय करना है अपनी दुनिया में इस मिट्टी और नेचर के साथ। तो आज जो ये घर बना रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ, कोई कंपटीशन नहीं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं, खुद के साथ भी कंपटीशन नहीं, बस मुझे जो आता है मुझे वो करना है, और इसी के साथ ट्रायल एंड एरर मेथड से ही बच्चा अपने आप पर विश्वास करना सीखता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं पेरेंट्स कि उसको, नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा काट, वो ऐसा नहीं, ऐसा काट, ईंट लग जाएगी हाथ में, तो वो लाइफ लॉन्ग वो कैरी करेगा, वो डर कैरी करेगा। उससे अच्छा है कि तू जाकर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ईंट पैर पे गिरेगी, थोड़ा आएगा, कुछ नहीं होता, एक सोफ्रामाइसिन लगा लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तो ये रिस्क ले, ये हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं, तो वो रिस्क फैक्टर आज नहीं देते हैं। इस कारण जब वो हॉस्टल जाते हैं या जॉब में जाते हैं, तो आज ये प्लांट में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, वो एक जो अंडरस्टैंडिंग या जजमेंट लेना रहता है, वो जब तक उस चीज़ में जाते नहीं हैं, मिट्टी में हाथ नहीं डालते हैं, वो जजमेंट लेने के लायक नहीं बनते। तो हम जजमेंट लेने के लायक अगर बनाना है एक अच्छा इंजीनियर, तो उसको
जाने दीजिए। जैसे मैंने अपने हस्बैंड और इन लोग को साथ में देखा है कि वो लोग साइड पे लिटरली वो बॉयलर के ऊपर चढ़ चढ़ के वो पेंटिंग हुई कि नहीं हाथ से टच करके देखते थे। रिस्पेक्ट तो था लेकिन उस कारण उनको एक ट्रस्ट रहती थी कि काम अच्छा हुआ है, तो उस कारण एक एक्सीडेंट की रिस्क कम हो जाती थी। आज हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, मिट्टी में मत जाना, हाथ को लग जाएगी। वही चीज़ कैरी करता है, वो सोचता है कि नहीं बाबा मैं बॉलर पर उस पर चढ़ूंगा तो मुझे चोट लग जाएगी, वो नहीं चढ़ेगा। इससे अच्छा है कि आज से आप उसको सिखाइए कि खुद के बलबूते पे हर चीज़ टेस्ट करना सीखे, ताकि वो ये सब चीज़ें जो आगे रिस्क में जा रही है और बहुत गलत पेरेंटिंग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये एक्टिविटी भी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये जो बच्चों का आज जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, रियली इट्स एन एक्सीलेंट प्रोग्राम जो एनहांसिंग देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव स्किल, जो कि उनको लॉन्ग रन में रियल लाइफ में यही सब चीज़ मैटर करता है। स्टडीज एंड ये लोग दोज आर इम्पोर्टेंट, बट दिस आर आई फील फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस इन लाइफ, दिस थिंग्स मैटर मोर इन लाइफ इन व्हेन दे ग्रो अप एंड गोइंग टू द रियल वर्ल्ड, टू फेस द रियल वर्ल्ड। टुडे नाउडेज द एरा ऑफ innovation and creativity is have been re-emphasized and re-emphasized by each and every company, each and every business. Anywhere you go, there is this mantra of innovation is a must, and this workshop I feel will definitely help and inspire them to work more creatively, more innovatively, and also not only that, living up at that is they are enjoying a lot, that also matters. The Sunday morning, otherwise they will be sitting idle, sleeping idle, lazy morning, but this lazy morning has been really converted to an excellent, active, creative, educative and enjoyful morning. Thanks a lot for everything. Thank you. अच्छा है, ये टीम वर्क है, बच्चे एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, दे आर लर्निंग हाउ टू कोऑपरेट विद ईच अदर। सही बात है कि सॉइल वाली चीज़ों से, एक्टिविटीज से चिल्ड्रन आर अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, तो इन दिस वे उनको थोड़ा सा गैजेट से दूर रहेंगे, उससे भी उसका इनका बेनिफिट रहेगा उस चीज़ के लिए, और इन्वॉल्व हैं जिससे दे आर इन्जॉइंग अलॉट। अच्छा, हमने जाके इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए? मुझे लगता है हमको उनको लेट देम बी फ्री, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर, हाउ दे आर डूइंग, लेट देम बी डूइंग इन देयर ओन वे। सो यू आर एंजॉयिंग? या वॉचिंग ऑल्सो? या। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जैसे आज का नाम टॉपिक है कि होम स्वीट होम, जैसा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्कशॉप हो रहा है बच्चों के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आजकल के बच्चों में हम जो है वैल्यूज़ उतनी नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को यही नहीं पता कि जो है एक अच्छा, एक सुंदर घर कैसा होता है, क्योंकि आजकल की जो हम जो NTPC वाले हैं, अक्सर NTPC के प्रोजेक्ट में रहते हैं, एक अच्छा सुंदर घर कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमने अपना घर कभी जो है बनाया ही नहीं जो है। हमारे यहाँ पे जो है पेड़ लगाने का भी मतलब जगह नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट से बच्चे भी सीखेंगे कि एक सुंदर घर कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यकता हैं, एक जो है पेड़ कैसा गेट होना चाहिए, एक कैसे घर बनाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए जो है। बच्चों को ये तो पता चलेगा कि एक घर में जो है कितने कमरे होने चाहिए, कितने क्या क्या चीज़ें ना ज़रूरतें होती है एक घर को सुंदर बनाने के लिए, और उस सुंदर घर में जो है प्यारे से माँ बाप जिनकी वो जो है रिस्पेक्ट करें जो है, एक जो है सुंदर सा माहौल, सुंदर से फूल पेड़ होने जो है आजकल बहुत आवश्यक हैं। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि इस वर्कशॉप से जो है बच्चे जो है बहुत कुछ सीखे, जो उनकी फ्यूचर लाइफ में भी जो है काम आए। थैंक यू। आई एम एन्जॉइंग व्हाट आई एम वॉचिंग, एंड बच्चों को छोड़ देना चाहिए, इससे हमें पता चलेगा हमारे बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है, तो मुझे अच्छा लग रहा है देख के, और सारे बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं और वो बहुत कुछ अच्छा अच्छा बनने के दिखने वाला है यहाँ पे, पता चल रहा है। अच्छा, आपका बेटा मैंने देखा गैजेट्स में थोड़ा वो एंजॉय करता है, हाँ, तो ये एक्टिविटीज से आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो गैजेट्स के साथ इन चीज़ों में भी, नेचुरल चीज़ों में भी फुली इंजॉय करता है, इक्वली इंजॉय करता है, और अभी भी वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है, बहुत अच्छे से वो पहली बार सुन रहा है और बड़े बच्चों का साथ दे रहा है, वो जो कह रहे हैं उसको कर रहा है, वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू।
तो ऐसा आपको पेरेंट्स से बाकी पेरेंट्स के लिए आपका उसको ये है कि जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें बच्चों को नहीं खेलना चाहिए, देना चाहिए, जर्म्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, आई थिंक आपको अलाउ करना चाहिए. हम भी वो खेले हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, बच्चों को भी कुछ नहीं होगा, मिट्टी वही है. और आप उनको जितना जिस चीज़ से रोकोगे वो वही चीज़ दोबारा करेंगे. तो इट्स बेटर लेट देम एक्सप्लोर देमसेल्व्स. वो जितना खेलना चाहते हैं, जो खेलना चाहते हैं, बस आप केयर रखिए कि वो मुँह में ना डालें और वो गलत काम उस चीज़ से ना करें, दूसरों पे ना फेंकें. आप अगर आप टेक केयर करते रहेंगे तो बच्चा वो काम नहीं करेगा और एक्सप्लोर करने में उसे मज़ा आएगा. थैंक यू. आपके विचार? बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, और मेरे ख्याल से हर मंथ ये एक्टिविटीज कंडक्ट करनी चाहिए. इससे बच्चों में टीम वर्क की क्वालिटी भी बढ़ती है, इनोवेशन भी बढ़ता है, उनके भी नए नए आइडियाज़ आते हैं. जैसे मेरा बेटा वो वाला ग्रुप छोड़ के अपना खुद का ही घर बना रहा है, यहाँ पर अकेले बना रहा है, जो भी बना रहा है. सो आई थिंक इट्स अ गुड एक्टिविटी. और मेरा ये एक सजेशन है कि ऐसी कुछ टीम वर्क वाली एक्टिविटी फॉर किड्स हर मंथ कंडक्ट करनी चाहिए. इट्स वेरी गुड. तो आप अभी ये सब एक्टिविटीज़ से खुश है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे भी ये सब एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है. मैं भी मैंने भी अपने बचपन में बहुत सारी, क्योंकि मैं भी हमेशा टाउनशिप कल्चर में ही रही हूँ, तो मैंने ये एक्टिविटीज़ देखी भी है, बहुत बार करी भी है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस एक्टिविटी से. थैंक यू. गुड मॉर्निंग मैम. ये बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, इतना सुंदर एक प्रोग्राम. इससे पहले भी वो क्ले वर्कशॉप हुई थी, फिर ये भी उस तरह का ही है जहाँ पे बच्चे मतलब दे आर गेटिंग अ स्कोप टू मिंगल विथ नेचर. ये बहुत बड़ा मतलब, और क्रिएटिविटी उनका जो है वो गैजेट से निकाल के थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी. और इसमें ग्रुप एक्टिविटी भी हो रहा है, ये मतलब सिंगल एक्टिविटी नहीं है. तो ग्रुप एक्टिविटी में क्या होता है कि जो लीडर है उसका बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं, उससे भी बहुत कुछ सीखने का रहता है, जो कि आगे चल के बच्चों के लिए अच्छा होता है. कि जस्ट मतलब एल्डर्स जो भी है, एज से बड़ा है, ही इज़ आवर लीडर, तो लीडर का हमको सुनना है. लीडर जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उस तरह से चलना है, उसको हेल्प करना है, साथ में मिलके काम करना है. ये बहुत कुछ चीज़ मतलब ये छोटा एक दो घंटे का एक्टिविटी है, बट इससे बहुत कुछ सीखने का है. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब बच्चे मतलब एक साथ होके कर रहे हैं. जिनको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है उनको भी छोड़ देना चाहिए, सो दैट कि आगे जाके वो भी सीखते रहे, बाकियों को देख के वो सीखे. वी शुड नॉट इंटरफेयर, मतलब उसमें जाके बड़ों को उसमें इंटरफेयर करना ही नहीं है. और उसमें कोई ज़्यादा अच्छा बनाएगा, कोई थोड़ा उससे कम अच्छा बनाएगा, ठीक है, बट बच्चे जो भी बनाएंगे वो अच्छा दिखेगा, क्योंकि वो अपना क्रिएटिविटी दे के बना रहे हैं. उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो कल को जाके 1% भी इन्वॉल्वमेंट हमारा रहा तो वो रहे लगेगा कि हो सकता है कि वो खुद बनाता तो कैसे बनाता. कम से कम उतना तो हमको पता चले कि कहाँ तक वो लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि उनके एज में हमको इतना भी नहीं आता था शायद. तो वो एक तो बहुत बड़ा चीज़ है. बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं कैसे कौन कैसे बना रहे हैं. थैंक यू. हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया है कि बच्चों के अंदर जो बुद्धि होती है, बच्चों को जूम इन जूम आउट कर दे, किसी तरह से बाहर निकाल लें, उसी चीज को बाहर निकालने के लिए वर्कशॉप आयोजित की गई थी. नहीं आएगा ये इसमें कि पीछे एंट्री हम लोगों ने काफी लो लेवल से रखा था, लेकिन उस एज से करना पड़ेगा, सोचेंगे तो समझेंगे, धीरे धीरे वो इंकलकेट होगी हैबिट और